हेलो फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पैरों में काफी ज्यादा दर्द की समस्या हो जाती है, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा असहनीय हो जाती है कई बार। और इसी की वजह से कई बार पैरों के दर्द को ठीक करने के लिए या तो गर्भवती महिला अपने पैरों की मसाज कराती है या फिर सबसे इजी सॉल्यूशन पेन किलर्स लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेन किलर लेना हमारी बॉडी के लिए घातक हो सकता है, और सबसे ज्यादा तब जब आप गर्भवती हो। तो आइए जानते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और पैरों के दर्द से परेशान हैं, तो आप इस दर्द से किस तरीके से निजात पा सकते हैं। पैरों के दर्द को ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कई महिलाओं को ये क्वेश्चन या फिर मन के अंदर ये सवाल रहता है कि आखिरकार गर्भावस्था के दौरान पेट में तो दर्द होता ही है, हमारे पूरे सिम्टम्स चेंज हो जाते हैं, तो पैरों में दर्द आखिर होता क्यों है? वजन बढ़ने की वजह से पैरों में दर्द ज्यादा होता है। जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं तो शरीर के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन सारी चीजों की मात्रा घटती और बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर स्टेबल नहीं रह पाता है, इनबैलेंस हो जाता है, और इसी की वजह से पैरों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है। टिप नंबर 1, पैरों के दर्द को ठीक करने के लिए सबसे अच्छी और सिंपल एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग। अगर आपके पैरों में प्रेगनेंसी के दौरान बहुत दर्द होता है, तो रात को सोते समय अपने पंजों को अच्छे तरीके से स्ट्रेच करिए। ऐसा करने से पैरों के अंदर की नसें स्ट्रेच होती हैं और जिस भी हिस्से में दर्द होता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। टिप नंबर 2, पैरों में अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप गर्म पानी के अंदर 20 से 30 मिनट के लिए अपने पैरों को डुबो सकते हैं। ऐसा करने से ना केवल आपके पैरों का दर्द खत्म होगा, बल्कि काफी हद तक आपकी टेंशन भी रिलीज हो जाएगी। टिप नंबर 3, कोशिश करें कि आप ज्यादा देर तक बैठे ना रहें, एक ही पोजीशन में सोते ना रहें, क्योंकि ऐसा करने से भी पैरों के ऊपर दबाव पड़ता है। सो दोस्तों, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और पैरों के दर्द से परेशान हैं, तो मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।